नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिट्टी के तेल से चलने वाला भाई फ्रिज। और मेरे साथ है सूर्य प्रकाश जी। सूर्य प्रकाश जी नमस्कार। सर आपका स्वागत है, साथ में दर्शकों का भी स्वागत है। तो आज आप देखेंगे एक नायाब चीज़, मिट्टी के तेल से चलने वाला फ्रिज। जब बिजली नहीं थी तब भी लोग बर्फ़ का आनंद उठाते थे, ठंडे पानी का आनंद उठाते थे। गर्मी से बचने के लिए ठंडा पानी किस तरह से उपलब्ध होता था वो आज आप देखेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले ये कंपनी का नाम दिखाएं, जिस चीज़ पे अगर कुछ लिखा हो तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है। गूगल पे आप सर्च भी करके देख सकते हैं, हिमलेक्स कंपनी का कैरोसिन ऑपरेट फ्रीज, तो आप देखेंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ देखने को मिलेगी गूगल पे भी। तो इसी के साथ अब आपका ये फ्रीज खुल रहा है। सेम आज के जमाने में है, सेम वैसा ही लग रहा है ये तो। बिल्कुल वैसा ही फ्रीज है और ये इसका फ्रीजर है। फ्रीजर बर्फ ओ हो, फ्रीजर के अंदर ट्रे भी है, मैंने तो आज ही देखी है भाई साहब खोल के। ये तो अलग टाइप की ट्रे है। देखिए अभी हमने इसको चालू तो नहीं किया है लेकिन कोशिश में लगे हैं। और यहाँ पे सेल्फ भी डल जाएंगे, जो जाली आती है वो भी अलग अलग सामान रखने के लिए डल जाएगी। बहुत ही अच्छा फ्रीज है। और कितना साल पुराना है सूर्य प्रकाश जी? सर ये तो गूगल ही बता पाएगा कि ये कितना पुराना है। फिर और भी इसी कुछ आइडिया? सर मेरे हिसाब से 60-70 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। और दर्शकों को पीछे से आप दिखाएं कि किस तरह से ये फ्रीज काम कर, और इसकी सर ये टैग भी लगा हुआ है पूरा, आप दिखा सकते हैं। कैलकटा का बना हुआ है, मेड बाई विनार लिमिटेड कैलकटा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीज किस तरह का बना हुआ है सूर्य और किस प्रकाश जी, ये क्या है साइलेंसर सा? ये ऐसा लग सर रहा है कि इसके अंदर इंजन है। नहीं सर इंजन नहीं है, ये भाप को यहाँ से स्टीम आएगी, जो हीट है वो इसके अंदर आएगी और अच्छा किस तरह से काम करेगी वो हम आपको चालू करने के बाद बताएंगे। इसमें नीचे ये इसकी चिमनी है, अच्छा ये चिमनी है हाँ, इसकी। जिसमें कुछ लीकेज था तो अच्छा हमने इसके लिए एक पुरानी चिमनी और खोज के, एकदम अनयूज्ड चिमनी हमारे को मिल गई है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये चिमनी मिल गई हमारे को। इसके अंदर केरोसिन डाला जाता होगा इतनी बड़ी चिमनी में केरोसिन डलता था। ये इसका बर्नर है, आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से इसको इस तरह से बत्ती को ऑपरेट किया जाता था। और ये भी कुछ सिस्टम है इसका, ये समझ में नहीं आ रहा है सूर्य प्रकाश बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से केरोसिन डालने का ये होल है और ये गेज है सर। जैसे ही केरोसिन अपन डालेंगे ये गेज ऊपर उठता जाएगा, इससे अपने को पता चलेगा कि इसमें कितना केरोसिन है इस वक्त टंकी के अंदर। तो इस तरह से ये चिमनी है, इसके साथ हम धीरे धीरे इसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों की किस तरह का नायाब पुराने ज़माने का साइंस है। पत्तियां भी कुछ अलग प्रकार की इसमें। बिल्कुल सर, कुछ जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी और किस तरह से ये काम करेगा और इसको हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। अभी तो हमको ये भी नहीं पता है कि ये चालू स्थिति में या बंद स्थिति में, क्योंकि हमने इसको चालू करके भी नहीं देखा है। सबसे पहले जैसे ही फ्रीज आया है तो दर्शकों को दिखाने का बनता है हिसाब, तो दर्शकों को दिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में चालू करके भी दिखाएंगे अगर भगवान ने सुना तो, बिल्कुल और बिल्कुल। दर्शकों का आशीर्वाद होगा, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो चालू करके भी दिखाया जाएगा। जैसे कि पहले हमने केरोसिन तेल से चलने का पंखा दर्शकों को दिखाया था, भी उसी तरह से हमारा मकसद है कि फ्रीज भी दर्शकों को चालू करके दिखाया जाए। क्योंकि सूर्य प्रकाश जी इस प्रकार के जो आइटम है ना, यूनिक पुराने, ठीक है ना, ये देखने को नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक खूबी है और अपने आप में एक मिसाल है कि पुराने ज़माने में किस तरह से हर चीज़ को तैयार किया जाता था। एक बात ये भी है ना, जो पुराने ज़माने में जो इंजीनियर होते थे ना, वो बहुत ही कमाल के होते थे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसी के साथ एक फ्रीज और दिखा देते हैं आपको, जो कि दूसरी कंपनी का है। किस्मत से हमको दो फ्रीज एक साथ मिल गए हैं, तो हम देखते हैं एक ना एक तो चालू हो ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका दरवाज़ा है, इलेक्ट्रोलक्स। तो दोनों अलग अलग कंपनियों के फ्रीज हैं, आप देख सकते हैं ये इसका दरवाज़ा है। हमने इसको खोला है ठीक करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। देखते हैं कि किस तरह से इसमें, आप देखेंगे कि इसमें भी फ्रीज़र बना हुआ है, ये यहाँ पे फ्रीज़र बना हुआ है, ये जालियाँ लगी हुई है बर्फ़ जमाने के लिए, सामान रखने के लिए। तो ये नीचे ये इसकी केरोसिन का टैंक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भी पहिए लगा के इसको चलाया गया है। आप देख सकते हैं ये पहिए चल रहे हैं, क्योंकि भरने के बाद में मेरे हिसाब से इसमें 10 लीटर केरोसिन आ जाएगा, वज़न काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको इसके अंदर डाल दिया जाएगा।
केरोसिन डाल के और पहियों के माध्यम से ये अंदर चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है सर, दिखाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है दर्शकों को कि केरोसिन तेल से चलने वाला फ्रिज हो सकता है आपने कभी ना देखा हो। और पीछे से भी दर्शकों को दिखा सकते हैं, दोनों में एक जैसा ही मैकेनिज्म है पीछे, तो वही आपको हिमलेक्स में देखने को मिलेगा और वही इसमें इलेक्ट्रोलक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी के हैं। तो दर्शकों से उम्मीद है कि जो बहुत नॉलेजफुल दर्शक हैं वो मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि मैं इसको किस तरह से चालू कर सकता हूं। कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9660526794। दर्शकों शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि हमें पता चल सके कि ये किस तरह से चल पाएगा, हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं पुरानी चीज़ को ज़िंदा रखा जाए और आप तक जानकारी को पहुँचाया जाए। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएँ, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।